नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि कवर से बात करने वाले हैं कि आप जब भी कोई वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे एक बॉक्स होता है आई एम नॉट अ रोबोट, उसको वेरीफाई क्यों करना पड़ता है। सो लेट्स सी। तो दोस्तों, आप कोई भी वेबसाइट पे या कोई भी ऐप पे कभी भी लॉगिन करते हो तो आप ध्यान से देखें तो वहाँ पे आपको या तो कोई सिक्योरिटी पिन या तो फिर कोई कैप्चा कोड या फिर आई एम नॉट अ रोबोट ऐसे साइन होती है। तो उसमें क्या होता है, कोई भी सिक्योरिटी कोड होता है, फॉर एग्जाम्पल 123ABF290 और उसके ऊपर कुछ भी लाइन होता है या फिर कुछ भी उल्टा सीधा लिखा होता है जो कंप्यूटर नहीं पढ़ पाता, लेकिन अब इंसान उसको पढ़ के समझ जाते हैं कि आखिरकार लिखा क्या हुआ है, और आपको ऊपर दिए गए बॉक्स में उसको फिल करना पड़ता है, उसके बाद ही आप लॉगिन कर पाते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा करने से हमें पता चलता है कि हम इंसान हैं, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर या कोई भी बॉट जो होगा वो ये चीज़ नहीं कर पाएगा इतनी आसानी से जितनी आसानी से हम कर पाएंगे। और दोस्तों, इसीलिए सिस्टम को पता चलेगा कि ये इंसान है या बॉट है। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़े। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दो कि इंटरनेट पर जितने इंसान है उससे कई ज़्यादा बॉट्स है। तो कोई भी वेबसाइट पे कोई भी बॉट्स जाके स्पैम ना कर दे उस वेबसाइट को, या फिर उस वेबसाइट पे कोई भी वायरस ना डाल दे। इसी से बचने के लिए ये सिक्योरिटी पिन या कैप्चा कोड की टेक्नोलॉजी लाई गई है। अब दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल दूं यूट्यूब का ही। तो अगर आपने एक ऐसे स्क्रिप्ट तैयार करके कंप्यूटर में डाल दी है कि वो हर एक मिनट में 5 यूट्यूब अकाउंट्स बनाएगा और कोई एक चैनल को सब्सक्राइब करेगा, तो दोस्तों वो स्क्रिप्ट को आप जब तक रोकोगे नहीं, अकाउंट्स क्रिएट करता जाएगा, तो वो पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी। वो हर एक मिनट में 5 क्या 10 15 भी कर सकते हैं, और दिन में वो 1000 2000 5000 यूट्यूब अकाउंट्स बना के एक चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और वो यूट्यूब को स्पैम कर देगा। तो ऐसे वो कोई भी स्क्रिप्ट तैयार करेगा, दिन में 2000 से 5000 यूट्यूब अकाउंट्स बनाएगा, तो एक अकाउंट बनाता है उसमें यूट्यूब का कितना डेटा यूट्यूब का जाता है उस अकाउंट की इन्फॉर्मेशन को सेव करने में, तो यूट्यूब कैसे पता लगाएगा कि इंसान है या बॉट है। दोस्तों, इसी चीज से बचने के लिए ये कैप्चा कोड और वो सब डाला जाता है, क्योंकि दोस्तों कोई भी नॉर्मल इंसान होगा उसके या तो 2 या 3 यूट्यूब अकाउंट हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। 4-5 हज़ार तो किसी भी इंसान के नहीं हो सकते, 4-5 हज़ार क्या 100-200 अकाउंट भी किसी के नहीं हो सकते। लेकिन दोस्तों, अब क्या हो गया, अब ये लोग भी स्मार्ट हो गए। अब जो ये लोग स्क्रिप्ट तैयार करते हैं उसमें भी ये लोग क्या करते हैं कि वो जो कैप्चा कोड होते हैं उसको भी इनपुट कर देते हैं। तो दोस्तों, अब बॉट ये भी आराम से क्रॉस कर जाते हैं कैप्चा कोड। दोस्तों, इसीलिए गूगल ने अपने लाया हुआ फोटो वाले सिस्टम की, उसमें आपको बोलना होता है कि किन फोटोज में से कितने फोटोज में बाइक्स है या फिर ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, वो एक इंसान ही कर सकता है, वो बॉट नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इसी चीज़ के लिए ये चीज़ लाई गई है कि आपको सिस्टम को बताना पड़ता है कि मैं एक इंसान हूँ, मैं एक रोबोट नहीं हूँ। तो दोस्तों, बस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं चलो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय हिंद।